सुबेरा उसी समय जिंदगी में आता है जब जीसस आता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि हर तरफ से मेरे पास फाइनेंशियल डे की अच्छी खबरें आ रही हैं। बरेली में सुचिता से मैंने बात किया और उसने बताया कि उसके बिजनेस में अब धीरे धीरे तरक्की होने लगी है और फाइनेंशियल डे के लिए उसने अपने बीज को बो दिया है। आज सुबह एक और फोन आया हमारी प्रिय बहन सरोज का नागपुर से। जब मैं नागपुर में था उसने 5,000 रुपये का बीज बोया था और उसने मुझसे कहा कि मैं LIC का काम करती हूँ और मुझे 50,000 रुपये का LIC कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। और आज उसने खुशी खुशी खबर दी कि 50,000 रुपये का ये मिरेकल, ये LIC कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रार्थनाओं का उत्तर हर जगह दे रहा है। फाइनेंस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम रुपए को, धन को, संपत्ति को अपने जीवन से कभी अलग नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने कहा कि आज की रोटी हमें दे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौकरी, धन, संपत्ति, संतुष्टि, अभाव में ना रहना, ये सब परमेश्वर की बहुमूल्य आशीष हैं। आज मेरा संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और जब आप मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं इस समय अगले 28 मिनट तक आप बिल्कुल उठिएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने SMS आ रहे हैं फाइनेंस के बारे में कि मैं उन्हें वर्णन नहीं कर सकता। हर कोने से उत्तर भारत के, यहाँ तक कि साउथ इंडिया से भी लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि कैसे वे कर्ज में डूबे हुए हैं, कैसे वे फाइनेंस के संकट में फंसे हुए हैं। एक कहानी बताऊंगा। अमेरिका में एक स्टूडेंट थी और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वो क्लासेस से बिल्कुल थक गई, उब गई और तब उसने निर्णय लिया कि मैं कुछ दिन के लिए क्लासेस को छोड़ करके सैर सपाटे पर चली जाऊंगी। वो एक झील में कुछ अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर निकल गई, लेकिन उस दिन जल धारा का प्रवाह बिल्कुल तेज था, करंट आ रहा था पानी में और नाव बहती चली गई और वो ऐसी जगह में पहुंच गई जहां से उसके लिए बाहर आना, लौटना बहुत ही कठिन था। लेकिन ठीक उसी समय एक और नाव थी और ये नाविक जो था वो प्रोफेशनल था, उसने रस्सी से किसी तरीके से नाव को बांधा, सबको बचाया और फिर उनको झील के किनारे पहुंचा दिया। कर्ज एक ऐसी समस्या है कि जब आप उसमें चले जाते हैं तो आप भंवर में पहुंच जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे बाहर आएंगे ये समझ में नहीं आता, खासतौर से उस समय जब आपको ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है। मैं अपने 2 संदेश कर्ज के बारे में देने जा रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि 30 जुलाई को हजारों लोग कर्ज से बाहर आने जा रहे हैं। परमेश्वर के सामने मैं इन दिनों में बोझ के साथ, आंसुओं के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके जीवन में जो आंसू हैं उनको यीशु ही पोष सकता है। तो तैयार हो जाइए इस संदेश को सुनने के लिए। सबसे पहला वचन जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण 15 और उसका 4 पद। यहां लिखा हुआ है कि तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा। ध्यान दें,
दरिद्र नहीं रहेगा। जो कर्ज में आता है वो दुर्दशा में पड़ता है, संकट में पड़ता है, गरीबी की ओर वो बढ़ता चला जाता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है उसका तू अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। हमारा परमेश्वर ब्लेसिंग का परमेश्वर है, आनंद का परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। गलतियों 3:13 के अनुसार व्यवस्था का श्राप हम पर से कैंसिल हो गया है। आपको कर्ज से बाहर आना ही है। कर्ज एक श्राप है, कर्ज एक डेवल का ट्रैप है। ट्रैप मेरे मित्रों, एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 28। इसी पर मैं इन दिनों प्रचार कर रहा हूं और वहां पर एक बहुत खास बात लिखी है जो पवित्र आत्मा ने बताया मुझे कि प्रतिज्ञा है, फाइनेंशियल डे की प्रतिज्ञा है। ये देख रहे हैं लिफाफा मेरे पास, ये फाइनेंशियल डे का नबुवत संदेश है। इसको मैं खोलता हूं आपके लिए, आप देखिए मैंने आपके लिए क्या लिखा है। यहां लिखा हुआ है धनी बने, कर्ज से बाहर आए। परमेश्वर की यह हार्दिक इच्छा है, और केवल इच्छा ही नहीं है, ये प्रतिज्ञा भी है कि आप धनी बने, क्योंकि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए। बोलिए हालेलुया। जहां भी आप अपने संदेश को सुन रहे हैं प्रभु की ओर देखिए और कहिए तेरे कंगाल हो जाने से मैं धनी हो गया। इसलिए कर्ज से छुटकारा पाना आपका अधिकार है। परमेश्वर आपको एक बड़े संकट से उबारना चाहता है। आप देखिए इसमें मैंने बहुतायत की आशीष कैसे मिलती है वो भी बताया है, बहुतायत की आशीष। और मेरी किताब आ रही है धन्य हो तेरी टोकरी, ये आपके लिए है। मैंने ये सब कुछ ऐसे ही नहीं किया, पवित्र आत्मा ने कई महीनों से मेरी अगुवाई की कि मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करूं, और मैं जान गया हूं अपनी आत्मा में कि इस 30 जुलाई को परमेश्वर आपकी सुधि लेने जा रहा है। ये देखिए प्रार्थना निवेदन है, इसे आप भर करके भेजेंगे और आप अपना बीज भी हमें भेजेंगे। व्यवस्था विवरण 28 और उसका 12 पद, और ये प्रतिज्ञा है फाइनेंशियल डे की। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतरी जातियों को उद्धार देगा। ध्यान दें, लेंडिंग मनी, उधार देना। परमेश्वर चाहता है कि वे लोग जो दुर्दशा में हैं, अभाव में हैं, आवश्यकता में हैं, उनको हम लेंड करें, यानी उधार दें। उधार ले नहीं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है परंतु किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा। ध्यान दें, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कर्ज का बोझ हमारे जीवन में आए, लेकिन परमेश्वर हमें इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा कि हम दूसरों को उधार देंगे। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, लेंडिंग एंड बोरोइंग। लेंडिंग का मतलब है उधार देना, सहायता करना, और बोरोइंग का मतलब है कर्ज लेना। परमेश्वर की ये इच्छा ही नहीं है
जितने लोग आज आप कर्ज में हैं और हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं बता देना चाहता हूं कि डेट इज नॉट द विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कर्ज लेना किसी भी तरीके से बाइबल की शिक्षा नहीं है। इसलिए आई अंडरलाइन व्यवस्था विवरण 28 का 12 पद में लिखा हुआ है, तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को, उत्तम भंडार हो, आई एम एक्साइटेड, उत्साहित हो जाए, स्वर्ग के उत्तम भंडार आपके लिए खुलने जा रहे हैं। आकाश रूपी झरोखे मलाकी 3 के अनुसार आपके लिए खुलने जा रहे हैं। आप बोलेंगे ब्रदर कहां से पैसा आ जाएगा। एक बार एक डॉक्टर मेरी मीटिंग में आया, ही वॉज ए यंग डॉक्टर ऑफ झारखंड, और जब मैं स्टेज से परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक रिलीज कर रहा था उस समय वो सामने आया, उसकी आंखों में अविरल आंसू बह रहे थे। मैं थोड़ी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा और मुझे नहीं मालूम था कि वो एक महान डॉक्टर है। फिर मैंने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे स्टेज पर खींच लिया और मैंने पूछा, Why are you crying? उसे सकते हुए बोला, ब्रदर मेरे ऊपर लाखों रुपयों का कर्ज है, मैं रात में सो नहीं पाता, हम दोनों पति पत्नी और मेरा बेटा परेशान रहते हैं। सुनने के बाद मैंने कहा, कर्ज से तुम बाहर आओगे और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा। आपको मालूम जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और जब अपना पूरा लाइफ सरेंडर किया, उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। मेरे मित्रों, यीशु मसीह में स्वतंत्रता है। वो कैसे उपाय करेगा ये आपको सोचने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोछेगा। जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था तो मैंने कर्ज के बारे में काफी कुछ अध्ययन किया। अब मैं उसे बताना चाहता हूं कर्ज क्या है। ध्यान से सुनिएगा, कर्ज एक श्राप है, श्राप है। श्राप का मतलब कैसे? श्राप में परमेश्वर की आशीष दिखाई नहीं देती, लेकिन कर्ज जो है वो श्राप उस समय बन जाता है जब हमारे जीवन में कोई भलाई, कोई अच्छाई, कोई आश्चर्यकर्म, कोई ब्लेसिंग नहीं होती है। जीते तो हैं हम, खाते तो हैं हम, कपड़े तो पहनते हैं हम, लेकिन वो जॉय, आनंद मिसिंग रहता है। कर्ज एक श्राप है और वही श्राप इस डॉक्टर के जीवन में आ गया। मैंने कर्ज को कैंसिल किया और अब वो धीरे धीरे काफी कुछ अच्छी स्थिति में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, उनकी सैलरी बढ़ गई। जिन्होंने कर्ज दिया था वो गाड़ी उठा ले जाना चाहते थे, लेकिन आपको बताना चाहता हूं वे नहीं ले जा सके, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर हमारे भाई की सहायता की। कर्ज एक अभाव है और जब हम कर्ज में रहते हैं तो हम बार बार सोचते रहते हैं, हम ये करें कि ना करें, बच्चों का एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फीस कैसे देंगे। कई ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जो विश्वासी हैं, अच्छी कलीसिया में जाते हैं, लेकिन कर्ज के कारण, अभाव के कारण, आर्थिक संकटों के कारण उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया।
ये भी एक श्राप है। कर्ज एक तनाव है, ये एक टेंशन है। टेंशन के कारण बहुत से लोग ठीक से सो नहीं पाते, उनकी भूख एपेटाइट खत्म हो जाती है, दिमाग हमेशा उलझन में रहता है, यहां वहां भागते रहते हैं, कभी यहां से पैसा लेंगे, कभी वहां से पैसा लेंगे, कभी इसका ब्याज देंगे, कभी उसका ब्याज देंगे। आपको मालूम, मेरे पास बैंक से बहुत फोन आते हैं, HDFC बैंक से जहां मेरा अकाउंट है, और वो लोग हमेशा मुझे फोन करके कहते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मैंने एक दिन पूछा, भाई क्रेडिट कार्ड मुझे क्यों देना चाहते हैं? बोले इससे आसान हो जाएगा सर, आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने कहा सुनो, मैं कर्ज में विश्वास नहीं करता, एक लड़की बोल रही थी फोन पर, और जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं कर्ज में विश्वास नहीं करता, उसने मेरा फोन काट दिया। मैंने कहा कर्ज मैं नहीं चाहता, कर्ज मेरे जीवन में कहीं आना नहीं चाहिए, कर्ज एक तनाव है। जब डेट आने लगती है बैंक की कि आपको पैसा देना है, या किसी ने आपको तारीख दी है कि आज इस समय पैसा दे देना, और जब आप नहीं दे पाते हैं, तो आप सोचिए आपके अंदर कितनी बड़ी बेचैनी हो जाती है। कर्ज एक अंधेरा है, डार्कनेस है। आपको मालूम, जिस घर में ज्यादा कर्ज लिया जाता है या जो ज्यादा कर्ज लेता है, उसके घर में शांति नहीं रहती, और वो लोग प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, बाइबल भी नहीं पढ़ पाते हैं। आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि जब कोई कर्ज में आ जाता है, तो उसकी वर्शिप लाइफ, प्रेयर लाइफ, बाइबल लाइफ खत्म हो जाती है। जब मन में शांति नहीं है, तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे? परमेश्वर केंद्रित जीवन कर्ज में नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक और बात, कर्ज एक धोखा है। अच्छा, जब आप कर्ज लेते हैं, तो आपको लगता है कि हम समस्या को ठीक कर लेंगे, लेकिन सच यह है कि आप समस्या को ठीक नहीं कर पाते, आप ठीक कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्ज एक भंवर के समान है, उसमें आप बहते चले जाते हैं, और आपको लगता है इधर उधर से गणित लगा करके, जोड़ घटा करके, जैसे तैसे रिश्तेदारों के पास, यहाँ वहाँ, कभी कभी कुछ बहुमूल्य सामानों को गिरवी भी रख देते हैं। पवित्र आत्मा मुझसे इस समय बात कर रहा है आपके लिए। कुछ लोग मेरे पास कार्यक्रम को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हमारा बहुमूल्य सामान गिरवी में चला गया, हम उसको कैसे छुड़ाएं? छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग प्रभु, जो जिनका सामान बहुमूल्य गिरवी में चला गया है, यीशु के नाम में मैं कहता हूं प्रभु कि इनका सामान इनको वापस मिले। शैतान ने जो कुछ इनका चुरा लिया है प्रभु, इस फाइनेंशियल डे पर उनको मिलना चाहिए वापस। माय गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप में से कईयों पर आ रही है। आप बोलना शुरू करें कि शैतान ने जो कुछ मेरा चुरा लिया है, जो धन चुरा लिया है, जो ज्वेलरी चुरा ली है, जो संपत्ति चुरा ली है, जो आनंद चुरा लिया है, कर्ज से प्रभु मुझे छुटकारा दे। आई डिक्लेयर डेट कैंसिलेशन 100% बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू से सारे कर्जों को मैं कैंसिल करता हूं। आइए पढ़ते हैं नीति वचन 22:7। नीति वचन 22:7 पद, हो तेरी स्तुति प्रभु। यहां लिखा हुआ है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। डेट इज ए स्लेवरी। कर्ज लेना दासता है, गुलामी है।
आप जरा सोचिए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू इसीलिए बहाया कि आप गुलामी में रहें? मैंने आपको बताया था पिछले संदेशों में कि फिरौन की दासता से इसराइली कैसे छुड़ाए गए। मेरा परमेश्वर दासता का परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर स्वतंत्रता का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप नेचुरल लाइफ को अनंत जीवन के साथ जीना शुरू करें। मैं आपसे अधिकार के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता ने गरीबी देखी है, कर्ज देखा है। और मैंने, जब मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में आया, तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं कभी कर्ज नहीं लूंगा। कर्ज लेना एक विश्वासी के जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आपको बहुतायत का जीवन दे, और ये बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह में ही संभव है। यहाँ लिखा हुआ है, निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। धनी व्यक्ति निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। अब यहाँ कुछ और कहना चाहूँगा आपको सिखाने के लिए, कि सूद पर यदि आप पैसा लेते हैं तो इस तरफ कभी मत जाइए। जब आप पैसा लेते हैं तो समय अच्छा लगता है और थोड़ी देर के लिए समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन जब सूद बढ़ने लगता है तब आपको दर्द होता है। मैंने बहुत से लोगों को आत्महत्या करते हुए सुना है कर्ज के कारण। वो सोचते हैं अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने आपसे कहा ना कि शैतान का ये ट्रैप है, ट्रैप। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि शैतान चोरी करने आता है, डाका डालने आता है। वो डकैत है और वो आपके धन को पूरी तरीके से आपके हाथ से चुरा लेता है। कर्ज से निराशा होती है, डर लगता है। एक पद पढ़ूंगा आपके लिए, पहला पत्रस 5:8 पद, सचेत हो। ओ आई लव दिस, सचेत हो। जितने लोग कर्ज में आज स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको यीशु मसीह के नाम में मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं। यदि आप सतर्क हो गए तो आप बहुत बड़े कर्ज से, बोझ से बाहर आ जाएंगे। आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना होगा। आपके पास जितना है उसी में रहना होगा। हमारे अगले संदेश में आप सुनेंगे कि आप कर्ज से कैसे बाहर आ सकते हैं। फिलहाल इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूं, सचेत हो और जागते रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। आई अंडरलाइन, फाड़ खाएं। कर्ज हमें तोड़ देता है, हमें रोड पर ला देता है। जिनको पैसा देना होता है वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, कई बार घर छोड़ करके चले जाते हैं। उलझन होने लगती है, हृदय रोग की बीमारी उनको हो जाती है। इन सब बातों से आपको परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि शैतान है, कर्ज के पीछे एक शत्रु काम कर रहा है और वो कर्ज के माध्यम से आपको फाड़ खाना चाहता है, आपको कुचल देना चाहता है। आपके जिंदगी के सच्चे आनंद को, जो यीशु मसीह में है, वो छीन लेना चाहता है। मेरे मित्रों, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, व्हेन यू चेंज योर हैबिट
यू विल चेंज योर डेस्टिनी. व्हेन यू चेंज योर हैबिट, आप जानते हैं जो लोग कर्ज लेते हैं वो कर्ज लेने की आदत में आ जाते हैं. जब कोई समस्या आएगी बस तुरंत लेना है, मांगना है, दौड़ना है. जितनी सैलरी नहीं उतना बड़ा प्लान. पत्नी ने देखा कि पड़ोसी ने अच्छी सी दस्तक गाड़ी खरीदी है, नया वाला मॉडल लिया है, तो अपनी पत्नी से हस्बैंड बातें करता है और तब पत्नी कहती है, देखो ना जी EMI ही तो करना है, बैंक से लोन मिल जाएगा. आपको मालूम बैंक आपको कर्जदार बना रहा है, बैंक आपको अपना गुलाम बना रहा है. आजकल शॉपिंग करने के ATM हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड हो गए हैं, सारी सुविधाएं हैं आपके पास. कैश लेके जाना नहीं है दुकान में, बस काम करो. लेकिन पैसा तो देना होगा, बोझ तो आएगा, चिंता तो आएगी. आपको सतर्क होने की ज़रूरत है. कर्ज लेने की हैबिट से आपको छुटकारा देगा प्रभु. और मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ, फाइनेंशियल डे 30 जुलाई को जेनेस्टा होटल में रांची के होने जा रहा है, और फाइनेंशियल डे चाईबासा में होने जा रहा है, फाइनेंशियल डे दुमका में होने जा रहा है, फाइनेंशियल डे नागपुर में होने जा रहा है. नागपुर के दर्शक बहुत ध्यान से सुने, आपका हम प्रबंध कर रहे हैं, और यदि परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की तो फाइनेंशियल डे शायद दिल्ली में भी होगा. मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप अब्राहम की आशीष को प्राप्त करें. अब्राहम धनी हो गया, बाइबल में लिखा है वो अत्यंत धनी हो गया. आगे के संदेश में आप सुनेंगे कि आप कर्ज से कैसे बाहर आएंगे. प्रभु आपको आशीष दे. प्यारे प्रभु, वे लोग जो भारी बोझ के नीचे कर्ज में फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ऐसों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और उनके सारे कर्ज को मेमने के लहू से, यीशु नासरी के पवित्र निष्कलंक लहू से, जिसने कहा कि हे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. प्रभु उनको दलदल की किस्त से निकालता हूँ यीशु के नाम में, और कहता हूँ प्रभु अब्राहम की आशीष हमारे हर पार्टनर पर, हर दर्शक पर उतर रही है. आई रिलीज अनॉइंटिंग ऑफ वेल्थ, धन के अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ. प्रभु आपको आशीष दे. यदि आपको हमारा नबुवत संदेश नहीं मिला है तो आप हमें तुरंत SMS करें, अपना नाम, पता और पिन कोड अवश्य भेजें. यदि हमारे कार्यालय में ये लिफाफा बचा हुआ होगा तो हम इसे जरूर भेजेंगे. प्रभु आपको आशीष दे.